अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन भर्ती प्रक्रिया जारी की हुई है। 18,000 पदों पर जो ग्रुप डी की भर्ती होनी है, इसमें बार बार सरकारें अपना स्टैंड बदल रही हैं। यहाँ देखिए, पहले तो जारी किया गया कि एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो चेयरमैन हैं भारत भूषण भारती, वो क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू के जरिए होगी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती। यानी कि जो अब 24 सितंबर लास्ट डेट की गई है ग्रुप डी की भर्ती, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आइए दैनिक जागरण की खबर है, हम यहाँ पढ़ते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 14 सितंबर के बाद 18,600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कर देगा। इन पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होगी। राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का फैसला वापस ले चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती के अनुसार अब इन पदों पर सीधे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के जरिए भर्ती प्रक्रिया को कम से कम समय में अंजाम देने की योजना तैयार की जा रही है। तो या अब हम ये मान के चलें कि लिखित परीक्षा नहीं होगी ग्रुप डी के लिए और सिर्फ इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू होगा तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। यहाँ भी कहा गया है खबर में, एक पद के लिए लगभग 55 से 60 दावेदार होंगे, तो भर्ती प्रक्रिया तो गड़बड़ाना है ही, और इसमें पारदर्शिता का भी अभाव होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो ये या हम आज खबर पढ़ रहे हैं, नई खबर मिली है कि इंटरव्यू होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी। पहले यही था कि लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, अगर विज्ञापन की बात करें तो। ये जो नई अपडेट है हमने आपको बताई, ग्रुप डी से संबंधित जो भी और अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, और 24 सितंबर लास्ट डेट है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिए। अभी तक यहाँ बताया गया है कि 10 लाख के आसपास है कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, और 2-3 लाख कैंडिडेट अप्लाई और कर देंगे 24 सितंबर तक। आगे इसमें क्या अपडेट रहती है ज़रूर शेयर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।